हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू नॉमिनेट अ पॉकी स्टॉप और अ जिम। सो गाइस, द टॉपिक इज बेसिकली ऑन पॉकी स्टॉप बिकॉज जिम नीड सम एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके गाइस, तो पॉकी स्टॉप को नॉमिनेट करना कैसे है? सबसे पहले गाइस, आप लोगों को एक लोकेशन देखनी पड़ेगी, जिस लोकेशन पे कोई मतलब ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब पब्लिक के एक्सेस की हो, मतलब एनीवन कैन गो देयर। सबसे इम्पोर्टेंट गाइस यही है कि आप लोग वहाँ जा सकते हो। अगर वहाँ पर हर कोई जा सकता है तो वहाँ पर आप पॉकी स्टॉप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट गाइस ये होता है कि आप कुछ भी नॉमिनेट कर दो, जहाँ पर वोटिंग होती है, लोग जो ट्रेनर आपके पॉकी स्टॉप को देखते हैं गाइस, वो बहुत मैटर करता है गाइस। अगर आपने पॉकी स्टॉप देखा, मतलब आपने पॉकी स्टॉप नॉमिनेट कर दिया बट वहाँ वोटिंग नहीं मिली, तो वो पॉकी स्टॉप नहीं बनेगा, ना ही जिम बनेगा। जिम का सीन ये गाइस, कुछ सेल्स होते हैं, तो वो सेल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को अभी, जब होगी तो हम लोग उस पर एक वीडियो बना देंगे गाइस। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं नॉमिनेट करूँगा गाइस। तो जो गलतियाँ मैंने की हैं गाइस, वो गलतियाँ आप लोग मत करना गाइस। मैंने ये गलती इसलिए कर दी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। आपको पता है मेरे फ़ोन में बैटरी कभी नहीं रहती गाइस। तो मैं आपको बता दूंगा गाइस, कंफर्म आपका बन जाएगा पॉकी स्टॉप। और उसमें थोड़ा सा मैंने ट्रिक भी किया है गाइस, वो ट्रिक भी बता दूंगा, जो कि मतलब जो पॉकी स्टॉप बनाते हैं वो लोग करते ही हैं गाइस, बेसिक सी बात है। जो लोग नहीं बनाते हैं तो गाइस, अभी आपका लेवल जो भी है मैटर नहीं करता गाइस, क्योंकि जब आप लेवल 40 तक पहुंचोगे तब तक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो लेवल 40 पे हैं बट पॉकी स्टॉप नहीं बना पा रहे। और गलती उनकी नहीं है गाइस, गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ है नॉमिनेट करना गाइस। हम लोग क्या नॉमिनेट कर सकते हैं, अब बाकी चीज़ें तो भैया सामने वालों के ऊपर है कि वो लोग हमारा बनाते हैं कि नहीं बनाते, वोटिंग मिलती है कि नहीं मिलती गाइस। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ पर जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है, मतलब पॉकी स्टॉप के लिए गाइस। तो उस मंदिर के पास जाके अभी हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं गाइस, ठीक है। आप लोग देख रहे हो गाइस, ये लेवल 40 का अकाउंट है, मेरा नहीं है। तो यहाँ पर दीप भाई का अकाउंट है, तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर पॉकी स्टॉप के लिए ये मैं थोड़ा सा मंदिर को ढूंढ रहा हूँ। मंदिर क्या है, थोड़ा लंबा अंदर की साइड है गाइस, तो रोड में दिखाता है पर अंदर की साइड मंदिर है। तो ये मंदिर में मैं घुस चुका हूँ, बहुत साफ़ सुथरी जगह गाइस, इट इज़ वेरी क्लीन दैट आई एम वेयर फुट। तो गाइस, अब देखो मैं शिव जी की फ़ोटो ले रहा हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक गाइस ये है कि मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले ली, बट मुझे फ़ोटो ऐसे नहीं लेनी चाहिए थी, यहाँ मेरी शेडो आ रही है फिर। तो आपको ये काम नहीं करना है गाइस। मुझे अपने फ़ोन की बैटरी भी पड़ी थी, तो ये शेडो की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है बाय चांस, तो मैं दोबारा नॉमिनेट करूँगा इसी जगह को। तो गाइस, अभी देखो ये शेडो वाली फ़ोटो है गाइस, ठीक है। अभी इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये मैं पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ गाइस। अब गाइस क्या करना है, बाहर की सराउंडिंग की फ़ोटो दे रहा हूँ गाइस। यहाँ मैं देख, मैं मंदिर की एसेसिबिलिटी दिखा रहा हूँ गाइस कि आप मंदिर में कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं रोड ले लिए गाइस। इसमें एक गलती और है फोटो में गाइस, इसमें क्या है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, आप लोग शायद ना दिखाओ बट इस फोटो में गाइस क्या है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो उस आदमी की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर मैं इसका मंदिर का जो नाम है गाइस, मैं वही नाम डाल रहा हूँ जो भी इस मंदिर का नाम है, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर गाइस। तो ये टाइटल डालना बहुत ज़रूरी था। टाइटल में आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ ना करें जो कि मतलब गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो गाइस, पॉकी स्टॉप गाइडलाइंस की, या फिर कोई ऐसी फ़ोटो ना हो जिसमें कि कॉपीराइट आने का, कॉपीराइट मतलब किसी प्राइवेट चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइस, है ना। स्पॉन्सर्ड वाले भी होते हैं पॉकी स्टॉप, वो अलग चीज़ है गाइस, आप किसी कैफेटेरिया को बना सकते हैं बट वो अलग चीज़ है गाइस। तो ये मंदिर हो गया, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, ये कंफर्म बनती है। मैंने ऐसे ऐसे पॉकी स्टॉप देखे हैं जिसमें मतलब पॉकी स्टॉप की फ़ोटो में मतलब बंदा खड़ा हुआ है, मतलब किसी ने मतलब जल्दी में फ़ोटो खींची ऐसा लग रहा है गाइस, तो वो आपको दिख जाएगा, पॉकी स्टॉप बहुत दिखेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पर लोकेशन थोड़ा एडिट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोकेशन थोड़ी एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ आप लोगों को पता है, समझ गया ना गाइस क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। सो गाइस, अभी देखो गाइस, अभी ये एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको लिखना है कि ये नॉमिनेशन क्यों कर रहे हो गाइस, क्या ज़रूरत है गाइस।
तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिस पर आप ध्यान देना गाइस। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि लोगों की एक मंदिर है, मतलब ये एक टेम्पल है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है गाइस, ठीक है। तो ये बताना थोड़ा ज़रूरी होता है गाइस। और मेरी रिक्वेस्ट, अगर कोई वीडियो देख रहा है जो कि मतलब वोटिंग करने जा रहा हो, तो भाई इसको पक्का कर देना यार वोटिंग यार। उसके बाद गाइस दूसरी चीज़ मैं लिख रहा हूँ गाइस कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मतलब इधर आना सबको अलाउ है गाइस। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जो भी पढ़े उसको समझ आ जाए कि यहाँ पर आना अलाउ है गाइस। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखूँगा कि यहाँ पर मतलब ये काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है गाइस, बहुत साफ़ सुथरी जगह है गाइस, क्लीन एरिया है, कि मैं यहाँ पर नंगे पैर घूम रहा था गाइस। और यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं गाइस, मतलब बच्चे भी आ सकते हैं गाइस, मेन पोकेमोन को मैं बच्चे ही खेलते हैं गाइस, तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं गाइस। और फिर लिख रहा हूँ कि दिस एरिया नीड पोके स्टॉप गाइस। ये चीज़ आप नहीं लिख सकते हो, मतलब मर्जी है मत लिखो, क्योंकि इधर क्या ना कि जो वोटिंग करेगा वो पता नहीं किस मूड में बैठा हो, वो देखेगा साला भीख मांग रहा है तो वो कहीं अनवोट ना कर दे, जो भी होता है मुझे पता नहीं सिस्टम, मैंने तो सुना है कि वोटिंग कुछ होती है गाइस। तो ये हो गया गाइस सबमिशन। सबमिशन के बाद गाइस क्या होता है कि अभी आप पोके स्टॉप सबमिट कर दोगे ना, तो होता ये है कि आपके ईमेल आएगा, तो अभी आप देखना गाइस यहाँ पर लिख के भी आएगा, ये लोडिंग चल रही है गाइस। इधर जो गलती की वो जल्दी में की गाइस मैंने, क्योंकि यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था कि यार मेरे को फ़ोन बंद होने का डर था गाइस, फ़ोन अगर बंद होता ना फिर ऑन करने में बहुत दिक्कत आती गाइस। तो ये अपन ने कर दिया नॉमिनेशन गाइस, पोके स्टॉप को नॉमिनेट कर दिया हम लोगों ने, और जो कि मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ यार, दीप भाई को बहुत बहुत थैंक यू यार, कमेंट में यार दीप भाई ओपी लिख देना गाइस। सो गाइस अब देखो भाई, मेन बात आती है गाइस कि आपने नॉमिनेट कर दिया है, नॉमिनेशन के बाद भी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये पोके स्टॉप बने, बट इसको कंफर्म किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है गाइस, आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए गाइस। टेम्पल एक ऐसी जगह है गाइस, टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, कोई भी जगह जहाँ पर वर्शिप होती है गाइस, उस जगह पर पोके स्टॉप बनना बहुत इजी होता है गाइस, ठीक है। तो आप जब भी नॉमिनेट करो तो इन चार चीज़ों पे खास कर करो गाइस, क्योंकि वहाँ पर ये जो वर्शिप प्लेस है गाइस, इसमें लोग धर्म देखते नहीं गाइस। अब कोई मंदिर या मस्जिद है गाइस, वो मंदिर मस्जिद ज़रूर है और वो किसी एक धर्म को ज़रूर कैटेगराइज कर रहा है, टारगेट कर रहा है, बट रियलिटी में ऐसा गाइस नहीं होता है। आप किसी भी धर्म के, आप मंदिर जा सकते हो गाइस, आप मस्जिद जा सकते हो, आप चर्च जा सकते हो, वहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन से रिलीजन के हो, तो वहाँ पर कोई भी जा सकता है। और वो कोई प्राइवेट एरिया नहीं है गाइस, सबसे पहली बात है गाइस प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को एक्सेस होना चाहिए उस जगह गाइस। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो रोड वोड वहाँ पर होना चाहिए कि वहाँ पर आ जा सकते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं छत पर मंदिर बन रखा हो तुम्हारे, तुम उसको नॉमिनेट कर रहे हो। वैसे आप कर सकते हो वो चीज़, आप किसी कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में आप लोग को शायद चल गया होगा पता क्या करना कैसे करना गाइस, जो मैंने गलतियाँ की वो आपको गलती नहीं करनी है। फ़ोटो किस तरह ध्यान रखना कि कोई इंसान या कोई जानवर ना हो फोटो में गाइस, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग ना हो, प्लांट्स चलेंगे गाइस, बाकी कोई ऐसे जानवर वानवर ना हो गाइस। फ़ोटो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए गाइस, क्लियरिटी इन द सेंस फ़ोटो आपको दिन में खींचनी है गाइस, रात में मतलब गर्लफ्रेंड के साथ जाके पोके स्टॉप नहीं बनाना है, आपको दिन में जाना है लोंडो के साथ और पोके स्टॉप बनाना है गाइस। डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसमें आप गाइस चीज़ें लिखो, जैसे डेट लिखो कब बना है गाइस, थोड़ा डिस्क्राइब करो अच्छे से। मैंने तो नहीं किया डिस्क्राइब अच्छे से, क्योंकि मेरे को तो मतलब गाइस जब मैं वहाँ बना रहा था गाइस, रिकॉर्डिंग चल रही थी और वहाँ पर मेरे दिमाग कुछ आ नहीं रहा था, मैं क्या लिखूँ यार, मैं सोच रहा था कि वहाँ पर कोई पत्थर लगा, उस पत्थर में सब कुछ लिखा हो, वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था, तो मैं सब कुछ ब्लैंक था, तो वहाँ पर मैंने जो लिख दिया गाइस। बट जो मैंने नॉमिनेट किया इसका, अभी भी मैं कह रहा हूँ गाइस 70-80% चांस है ये पोके स्टॉप या जिम बनेगा गाइस, ठीक है, जिम का इतना कंफर्म नहीं हो, बट पोके स्टॉप तो बनने के बहुत ज़्यादा चांस है गाइस। तो गाइस करना क्या, आपको समझ में आ गया ना। अब गाइस आप सोचोगे जिम कैसे बनेगा, जिम के लिए यार कुछ सेल्स होते हैं, ये छोटे सेल्स ज़्यादा हैं, बड़े सेल्स कम है गाइस। जहाँ पर बड़े सेल्स होते हैं वहाँ पर गाइस जिम बन जाता है, तो सेल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को फिलहाल अभी। सो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शाउट आउट टू दीप भाई, थैंक्स फॉर दीप भाई, ये दीप भाई की आईडी है गाइस,
शाइनी शाइनी भर रखे हैं, तो आपको वो शाइनी दिखा रहा था इनके। तो दीप अल्ट्रेक्स लेवल 40 प्लेयर बेस्ट बड़ी शैडो म्यूटो, मजा आ गया भैया। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।